अगर आप भी कर रहे हैं हल्दी की खेती तो इन बातों को रखें ध्यान, होगा अधिक मुनाफा। जनपद खेरी के तराई इलाके में किसान अब हल्दी की खेती करना प्रारंभ कर चुके हैं। हल्दी की खेती करने से किसानों को लाखों रुपए का फायदा होता है, जिसको लेकर एक्सपर्ट ने दी जानकारी। क्या नाम है सर? डॉक्टर संतोष कुमार, एस के विश्वकर्मा। एस के विश्वकर्मा, अच्छा, जमुनावाद। सर, अपने जनपद में किसान हल्दी की खेती करना प्रारंभ कर चुके हैं, कैसे की जाती है, क्या है बीज? देखिए, हल्दी की खेती तो जून मई जून में जो है हम से तैयारी करके जो है उसको बुआई करते हैं। इस समय इसमें जो है वेजिटेबल ग्रोथ हो रही है, पैदावार हो रही है और निराई गुड़ाई का कार्य चल रहा है। आप उसमें निराई गुड़ाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है खाद की जो मात्रा है, जो कि बेसल में आपने लिया था और आधी जो यूरिया बच गई है वो आप उसमें डालते हैं, आप वो आप दे सकते हैं। दूसरा है खरपतवार नियंत्रण, भी इस समय बहुत ज़रूरी है। उसमें ज़्यादातर जो खरपतवार समय समय पे जो है 10 से 15 दिन के अंतराल पर उसमें सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, तो अभी आप करवा सकते हैं। और उसके बाद जो है कुछ पोषक तत्व जो है सूक्ष्म मात्रा में भी उनका हम छिड़काव करते हैं, वो मृदा की जो है कंडीशन के अनुसार या पौधे की बढ़वार के अनुसार हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसका हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं। वैसे अगर मृदा जांच के आधार पर पहले पूर्व में करा लिया जाए तो हम सूक्ष्म तत्वों का उपयोग बेसर के रूप में दे सकते हैं, और नहीं तो लक्षण प्रकट होने के बाद हम जो है फार्मिंग छिड़काव कर सकते हैं। करवाते हैं।